नव भारत के संवाददाता आनंद पांडे की रिपोर्ट। रघुनाथ पल्ली मंडल में श्रीमन नारायणपुरम ग्राम में देवदुला अधिकारी से कैनाल कार्य का निरीक्षण किया। तेलंगाना के प्रथम पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर डी राजय्या विधायक राजय्या ने कहा कि श्रीमन नारायणपुरम ग्राम में आरएस घनपुर जलाशय के नीचे कैनाल्स का निर्माण प्रवासी जल खाइयों में नहीं आ रहा है। ग्राम में नल्ला कुंटा, मत्ता कुंटा, कर्माजी कुंटा में 3 खाइयों में जल की भरपाई करना होगा। खेतों में जाने के लिए कैनाल के ऊपर के पुल का निर्माण करें, अधिकारियों को आदेश दिया। श्रीमन नारायणपुरम किसानों और जनता की सेवा में सदा आगे रहूंगा, ये आश्वासन दिया और किसानों की मांग को तुरंत पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। लॉकडाउन होने के बावजूद अनाज खरीदी केंद्र प्रारंभ किया गया, किसानों को धान के सही मूल्य दिलाने की बात कही। श्रीमन नारायणपुरम ग्राम में प्रगति के हिस्से के रूप नर्सरी का दौरा किया, ग्राम पंचायती कर्मचारियों का अभिनंदन किया और उन्हें कहा कि ग्राम में ऐसी ही हरियाली पर ध्यान देने से हम सभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। अधिकारियों के साथ ग्राम का दौरा किया, किसानों के अपील पर जोर देने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया। प्रतिनिधि किसानों ग्रामवासियों ने विधायक को धन्यवाद कहा। इस कार्यक्रम में मंडल सरपंच फॉर्म अध्यक्ष पी शिवा कुमार, सरपंच चिंता सुशील स्वामी, मंडल अध्यक्ष वाई कुमार, नामुला बुच्चैया, कोरा राजेंद्र नायक, महिला मंडल अध्यक्ष सुनीता, एमपीटीसी विजय, एसआई देवदुला सुधाकर रेड्डी, ईई विजय कुमार, डीई संगेशमरी, एसी रघुपति, पूर्व एमपीटीसी रविंदर, ग्राम शाखा अध्यक्ष तिप्पाराव भास्कर, मूर्चला यादगिरी, यादय्या, तुत्ती अंजनेया, देवदुला अधिकारी और अन्य ने भाग लिया।